हां तीन 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 खिलाड़ी दे दे मैं आ खेल ले हम। अरे वो सोलो खड़े हैं। अरे ये बात नहीं है। शायद वो नहीं आ पाएगा। बता। मैं खड़े दे सारा फील्डिंग दूं। ओ बुप्पी। आगे को तो फील्डिंग आता है। नमस्कार सभी का। मैच ओवर से कोला सर सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला, आज का पहला मुकाबला और सेकंड राउंड का दूसरा मैच कोला सर वर्सेस नेचर। भाई जी एक को देख बे, कैप लगाए रखे। हेलो खेल से गए इन्नी कौन खेला के चारी अरे हेलो दादा आज और कल बिल्डिंग बनी दो जणा बुला दो ने दोन आज हो ते खड़े हो ते काही दो केने दो एक 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 अरे एक मन आ गयो यार रेंड बादल एम्पायर अरे यार बड़ो ना बरसी एक एम्पायर हो ओ भाई लाग रे ने खेल ले नो खेल ले ने एक लाग गयो भाई सिस्टम हुआ। नमस्कार सभी का, आज का पहला मुकाबला कोला सर वर्सेस नेचवा। अरे तो टाइम क्या लगा रहे थे कोला सर वर्सेस नेचवा। सेकंड राउंड का दूसरा सेकंड राउंड मुकाबला स्टार्ट कोला सर से नेचवा। कोला सर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। आजा भाई आजा शाबाश ये एम्पायर के पीछे आजो और तो अरे मोबाइल ओ मार को उठा मेन पॉइंट पर आते इन बड़ी हुई बहन हटे ले इन्हें इन्हें ठीक कर दो। हां ले तो सही तू वो एम्पायर है वो एम्पायर है। अब चल बस खेल के मैं अरे भाई डी 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 नहीं बनी पहली बॉल उठाकर खेला है वन बाउंस टू बाउंस थ्री बाउंस चार रन। पहले गेंद चार रन शानदार शॉट कोला सर की अच्छी शुरुआत। दूसरी बॉल और ये एक विकेट पहला विकेट पहला विकेट पहला विकेट गिर चुका कोला सर टीम का चार रन के स्कोर पर। मैच के दूसरे गेंद पर बड़ा विकेट अरे कोई कोई चाल बाजे राजू अरे करण एक बोल आदि कोई दिक्कत कोई चाल बाजू आराम से बढ़िया बाबू
अगली बॉल बताई चला, एक और विकेट और ये दूसरा विकेट। शानदार कैच, ये दूसरा विकेट गिरता हुआ कोलासर टीम का। अगले मोर फुल लेंथ की गेंद, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, अभी तक स्कोर 4 रन खुलासा टीम का। दो बड़े विकेट गवा चुकी है, फिर से उठाकर खेलना चाहते थे। एक और की समाप्ति पर 4 रन। जब आया मौसम वसीम की अगली गेंद, शानदार शॉट, 4 रन, 8 रन बढ़ता हुआ स्कोर। शानदार शॉट 4 रन की ओर। एक और डॉट गेंद, अरे बढ़िया, टेस्ट के लिए आप पट्टी सही है ना, साली धड़ाधड़ निकल गया विकेट। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, एक और डॉट गेंद। फिर से अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद, एक और सिंगल बढ़ता है स्कोर 9 रन खुलासा टीम का। अगली बॉल शानदार गेंद, फिर से 1 रन बढ़ता है स्कोर 10 रन। जो भाई देखने लाइक करे, शेयर करे ज्यादा से ज्यादा, मैच का सभी मजा ले सके। अगली बॉल शानदार उठाकर खेला है, 1 बाउंस, शानदार फील्डिंग, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, बढ़ता स्कोर 12 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। शानदार शॉट, 1 रन। तेरह रन बढ़ता है स्कोर। अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, को नहीं
बैठ के लग दिए स्टम के बोलने की कैचा होता है हो सके भाई बाद में देख लीजिए लाइव में आउट तो मत ले बुलाएंगे दार दार का सोदा ले ले भाई स्टीम अति ढीली है यार पूरी अड़ गया यहां बता दे आउट मत आउट कौन ही खेल ले बस बता कह रही हूं बाद में लाइव में देख लीजिए आउट हो आउट हो बाद में देख लीजिए खुद देख अति तेज बोल रहा भाई स्टीम पड़ गया अरे यार स्टीम का लाइव बोल स्टीम का बावड़ी बता अगर गिल्ले उन पड़े यार कई बार अब स्टीम में गिल्ली नहीं पड़े तो आउट ही बन जाए जो भाई लाइव देख रहा है वो बताइए आउट था या नहीं स्टीम अति तेज गेंद में पड़ गया बिरा फिर से उठा कर खेलना चाहते हैं एक और अच्छी गेंद ओके लॉके बना ये कैच शानदार कैच सही देखना उसमें शायद एज लगी थी तंगो का शायद थी बार आ रहा और ये आधार कार्ड चेक हो रहा है किसी खिलाड़ी का चेक कर लो पहले बो कैच आउट हो शायद कैच आउट हो बो हाँ देखियो मैं बोल्ड बॉल लगी कैच बैट के लाग डायरेक्शन चेंज उठाऊंगा हाथ में आयो वो स्टंप को तो बोल ही स्टंप लगी ना वो स्टंप को मैं देखियो ना देख लीजिए बाद में देखिए सब देखिए स्टंप लगी ए जाई भी गए फिर से उठाकर खेलना चाहते हैं एक अच्छी गेंद डॉट गेंद भाई जो देख रहा है सर करे कौन है आज माइकल माइकल ये पट जैसी विकेट है अच्छी बाउंस मिलती है यहाँ पे इस पट्टी पे खेल कैसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे सीमेंटेड पट्टी इसमें पता चलता है बैट्समैन का टेस्ट होता है बारह रन में बारह रन में बारह रन में शायद अरे यार
थरो मार दो कायदो ये थरो गुगुन मारसी यार बिल्कुल नहीं नहीं मारबा बैठ बैट्समैन मारो खिरी जु यार क्या दौड़ता है नहीं लगानी अगली बॉल एक और विकेट कोलासर को लगने वाला ये चौथा धक्का भाई रामने की जगह नया बैट्समैन कमल रामू की जगह है कमल गए हैं मेजबानी करने के लिए कोलासर टीम और कोलासर टीम का स्कोर है वो 13 रन है 904 विकेट पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं बॉलर ने दौलत स्कोर 13 रन अभी तक स्कोर 13 रन दौला अगली गेंद लेके आए एक और विकेट फिर से एम्पायर का इशारा आउट कमल चले वापस पवेलियन की ओर नए बैट्समैन जितेंद्र कमल की जगह लेने जा रहे हैं जितेंद्र देखते हैं क्या कर पाते अपनी टीम कोलासर के लिए काफी अच्छे बॉलर हैं दौलत कोलासर का स्कोर 13 रन लॉस ऑफ 4 विकेट जितेंद्र को बीट किया दौलत ने भाई 250 रुपए है पारी का चौथा ओवर और दौलत अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं उठाकर खेल दिया है स्टेट में एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा जितेंद्र को बढ़ता स्कोर 14 रन दौलत जो भी काफी तेज तर्रार बॉलर हैं नेचा टीम के फिर से शानदार शॉट दो रन बिटवीन द विकेट भागकर पूरे किए इसी के साथ स्कोर में इजाफा होते हुए 15 रन राजून चाल बाजे मुझे में एक बार 15 रन बढ़ता स्कोर आज इसका दिन है राजू का ओवर की समाप्ति धारदार गेंदबाजी साम्राज्य भाई बॉलर नेम राजू अपने कोटे का दूसरा लेकर आए हैं तीसरा राजू पारी का पांच ओवर और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं सामना करेंगे जितेंद्र उठाकर खेलना चाहते थे परंतु बॉल फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं फिर से चले राजू जितेंद्र के लिए एम्पायर का इशारा वाइड वाइड बढ़ता है स्कोर 16 रन कम से कम 50 रन तो बनाने होंगे पहला मैच बनाने के लिए वो कोलासर बनाम नेचर के उठा कर खेला है उठाकर खेल दिया लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा जितेंद्र को कोलासर का स्कोर 16 रन 17
बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। आज का जो टेस्ट ओवर का खेला जा रहा है जिसमें 3 ओवर का पावर प्ले लेग बाय बाई और थ्रो सभी के रन है। फिर से चले राजू नरेंद्र के लिए उठा कर खेला है फील्डर बॉल के नीचे लेकिन 6 रन का इशारा मैक्सिमम 6 रन के लिए इसी छक्के के साथ बढ़ता स्कोर 23 का स्कोर है वो 23 रन अच्छी टीम है विकेट कम से कम 50 रन तो बनाने होंगे। फिर से चले राजू नरेंद्र के लिए कैसे उठा कर खेलना चाहते अच्छी कवर ड्राइव थी लेकिन बॉल फील्डर के हाथ में फिर से उठा कर खेला है शानदार फील्डिंग और ये 2 रन बढ़ता है इसका 25 रन। फिर से उठा कर खेला है शानदार शॉट बढ़ता है इसको 26 रन 26 5 हो गया 5 और हो गया शायद छठो और ज्यादा हो छठो और ज्यादा रन 26 है। फिर से उठा कर खेला है शानदार शॉट और ये 4 रन बढ़ता है स्कोर 30 रन। धन्यवाद मेरे साथी कमेंटर को। फिर से उठाकर खेला शानदार शॉट पार्टी सर वर्सेस कोलासर के मध्य ये टल रहा है जिसमें पार्टी सर ने पहले बैटिंग अरे फील्डिंग करने का निर्णय लिया जो सही साबित हुआ शुरुआती ओवर में छठा और इस समय चल रहा है स्कोर है 31 रन और कोलासर टीम को 32 रन बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर शानदार ओवर कर रहे हैं इस समय राजू दौलत इस समय अपने छोटे से बॉलिंग रनअप के लिए नरेंद्र के सामने खेलना चाहते थे। यहाँ पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं नरेंद्र अच्छी गेंद और उनकी टीम को ऐसी बैटिंग की आवश्यकता है यदि वो लास्ट तक बने रहते हैं क्रीज के ऊपर तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर अपनी टीम को दे पाएंगे और एक चैलेंजिंग स्कोर होगा नेचुआ टीम के लिए। एक बार फिर दौलत नरेंद्र के लिए शानदार डिलीवरी फिर से बीट किया अंपायर विकेट कीपिंग की शानदार विकेट कीपिंग हल्की सी अपील जरूर की लेकिन विकेट कीपर अंपायर पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। काफी अच्छे समय जो कोलासर टीम का स्कोर है वो 32 रन है और यहाँ से उन्हें धीरे सिंगल डबल से भी अपने मैच को आगे बढ़ाना होगा। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन कोलासर टीम का इस समय स्कोर है। न्यू बॉलर नेम प्लीज आरिफ ताको फोन कुछ हो आगे ताको फोन कुछ है अपने कोटे का दूसरा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का 7वां ओवर लेके आ रहे हैं स्ट्राइक पर है जीतू शानदार लंबे कद के हट्टे कट्टे बल्लेबाज है जीतू अच्छे लंबे लंबे हिट लगाते हैं हल्के हाथों से ढकेला क्रीज के पास में ही और सिंगल से संतोष दोनों ही बैट्समैन यदि आपके बल्ले से चौकिया छक्के नहीं निकल रहे हैं तो आप स्ट्राइक रोटेट कर कर भी इस गए भाई साहब और इस ग्राउंड गए 70 से 75 रन गए काफी अच्छा स्कोर है क्योंकि यहाँ की आउटफील्ड वो काफी फेसबुक है फेसबुक और पिच बॉलिंग सपोर्टेड है। एक बार फिर मौसम शानदार डिलीवरी खोल देगा क्या नुकसान बॉल खराब लाइन और लेफ्ट मौसम फेसबुक में 2 दिनों खोल रहे खुल रही गोली एक्स्ट्रा जो रन है उन पर अंकुश लगाए रखना होगा वो कोई नंबर एक मिनट भाई यदि इस मैच नंबर कोई मार लिया सर वो एक बार फिर से मौसम फिर से उठा कर खेलना चाहते थे यहाँ पर दूसरे रन के लिए लेना चाहते थे लेकिन मना किया नरेंद्र ने
रनों में एक रन का और इजाफा, स्कोर होता हुआ जो भाई देख शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। लॉस ऑफ थ्री विकेट, सॉरी फोर विकेट। एक बार फिर मोहसिन जीतू के लिए स्टॉक लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। डॉट डिलीवरी, शानदार गेंदबाजी नेचर टीम की ओर से, तारीफ करनी होगी इन गेंदबाजों की। आगे निकल के स्टॉक लगाना चाहते थे लेकिन सही से बीट और बॉल का कनेक्शन नहीं हुआ। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। बढ़ता इसको 34 रन आपके पास। इस ओवर के बाद में तीन ओवर और शेष है, उनमें भी आप अच्छे खासे रन बना सकते हो। संभल के खेलना होगा दोनों ही बैट्समैनों को। बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा है कोलासर का, अभी भी काफी अच्छे है। आदिटर बैट्समैन किसु मामराज, रामचंद्र नेहरा जैसे शानदार बल्लेबाज अभी भी इनके खेमे में है। तो एक बार फिर मोहसिन फिर से उठाकर खेला शानदार शॉट और ये एक और विकेट। बैठे सीधा हाथों में एक और बड़ा नुकसान कोलासर टीम को नरेंद्र के रूप में। समाप्ति अपने ओवर की अंतिम बॉल पर एक बहुमूल्य विकेट लाया मोहसिन ने। 36 रनों के स्कोर पर पांचवा विकेट कोलासर को लगता है पांचवा झटका। सॉरी भाई साथ साय हो गया ध्यान गंधियर। सात ओवर की समाप्ति पर 36 रन। अब नरेंद्र की जगह लेने के लिए गए हैं किसु, शानदार बैट्समैन है, काफी अच्छे लंबे लंबे हिट लगाते हैं। लेकिन इस समय जो 18 गेंदे शेष है टीम के बैट्समैन ये चाहेंगे कि 18 गेंदों में 35 से 40 रन बना सके। और लेके आए बॉलर नेम करण, अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का आठवां ओवर लेके चल रहे हैं करण। अंपायर को क्रॉस करते हुए किसु के लिए बढ़िया स्ट्रोक किसु का, सीमा रेखा की ओर। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, बॉल सीधे फील्डर के हाथों में। बढ़ता इसको 37 रन किया बॉल को, लेकिन जब तक दोनों ही बैट्समैनों ने दो रन आसानी से पूरा कर लिया। रनों में एक रन का और इजाफा, स्कोर होता हुआ 37 रन। लॉस ऑफ 7 विकेट। एक बार फिर से करण जीतू के लिए, जीतू को एक समय अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। दूसरे रन लेना चाहते थे लेकिन बीट हुए। थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई लेकिन फिर भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ नेचर टीम को। एक रन से संतोष, रनों में एक रन का और इजाफा, स्कोर होता है 38 रन। शानदार गेंदबाजी देखने को मिली नेचर के गेंदबाजों के द्वारा, शानदार लाइन और लेंथ रखी कोलासर टीम के जो बल्लेबाज को उनको खेलने का मौका नहीं दिया लेकिन काफी और ये 4 रन। बॉल की स्पीड 152 किलोमीटर प्रति घंटा, सीमा रेखा अंपायर विकेट कीपर बीट हुए। अब 4 रन मिलेंगे पारी के रूप में। वाइड थी क्या, वाइड और है तो 5 रन मिलेंगे इस समय कोलासर को। स्कोरों में रनों में इजाफा होता है, स्कोर होता है 43 रन। अभी तक कोलासर का अच्छा स्कोर, विकेट कीपर से मिस हुए, सात ओवर चलता हुआ प्रगति पर, उनसे भी मिस हुए। ऐसी मिस फील्डिंग आप नहीं कर सकते। 5 रन फ्री में लुटा दिए। एक बार फिर से करण शानदार से उठाकर खेल रहा है कीपर से पीछे से और ये शानदार फील्डिंग और ये 2 रन सर सीमा रेखा की ओर बोल गई लेकिन 2 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसे ही स्ट्रोक्स के समय जरूरत है, दोनों ही बैट्समैनों को संभल के खेलना होगा और लंबे लंबे स्ट्रोक भी लगाने होंगे। रनों में 2 रन का मैच ताकि ग्रुप में डाले 45 रन ताकि सभी मैच का मजा ले सके। 45 बढ़ता हुआ स्कोर, यदि यहां पर 60 रन बन गया तो अच्छा स्कोर होगा। उठाकर खेलना चाहिए थे और ये शानदार कैच, एक और विकेट। एक और बड़ा नुकसान किसु के रूप में, आठवां विकेट, आठ ओवर है। आठवां झटका लगता हुआ कोलासर टीम को किसु के रूप में। शानदार बैट्समैनिंग बैटिंग कर रहे थे किसु लेकिन करण ने जोर जबरदस्त कमबैक किया।
अब यहाँ पर कोलासा टीम के सबसे ज्यादा अनुभव से बैट्समैन रामचंद्र नेहरा इस समय क्रीज पर गए हैं और उनका इस समय कर्तव्य है कि अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ाएं। जो कुछ बोले इस मैच की इस पारी की शेष बची है उसमें एक सम्मानजनक स्कोर की ओर धकेले अपनी टीम को और अपने गेंदबाजों को एक अच्छा स्कोर दे ताकि वो फाइटिंग स्कोर हो सके और एक अच्छा मैच देखने को मिले नेसा वर्सेस कोलासर के मध्य। शानदार मुकाबला इस समय इस पिच के ऊपर चल रहा है, आउटफील्ड काफी कमजोर है और यहाँ के आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना शानदार आयोजन उन्होंने यहाँ पर करवाया है। खराब रनों में एक रन का और इजाफा, स्कोर होता हुआ 46 सॉरी। थोड़ी अपनी लाइन और लेंथ को सटीक रखना होगा। यहाँ पर यदि 60 रन बन गया तो बड़ा स्कोर है क्योंकि ये पद की तरह पिच है, कभी ऊपर कभी नीचे। ओवर समाप्त, बारह गेंद बाकी, कितने रन और बना सकते हो फर्स्ट इनिंग की। कल शाम का जो मुकाबला खेला गया था कोलासर वर्सेज अब आया दोला तीसर के मध्य और लेके मैच की टीम से दर्शक आए अपने कोटे का दूसरा ओवर 58 रन का टारगेट दिया था कोलासर ने पार्ट तीसर को और सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में कोलासर ने वो मैच जीता था तो काफी यहाँ पर 60 से 70 रन यदि आप बना लेते हो तो काफी सम्मानजनक स्कोर होता है इस ग्राउंड के ऊपर। एक बार फिर दोले आउट कर पारी का नौ एक विकेट कीपर ने भी मिस किया, दूसरे रन के लिए पलटे तीसरा रन भी ले सकते हैं। मैं कहूंगा दोनों ही बैट्समैनों की जो रनिंग बिटवीन द विकेट है अंतिम ओवरों में आप ऐसी रनिंग करोगे एक एक रन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जहां पर 3 रन होने चाहिए थे वहां पर आपने 2 ही रन लिए हैं तो ये 1 या 2 रन आपकी पारी में आपके आगे मैच में काफी ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। फिर से अच्छा हल्के हाथों से धकेला, सिंगल डबल चुराने में माहिर है रामचंद्र ने। बढ़ता है स्कोर 49 रन 49 रन। चंद बोले और शेष इस पारी की, मात्र 10 बोले और शेष है और उनमें आप कितने रन और बना सकते हो वही आपके आने आने आगे जो मैच होगा उसको निर्धारित करेंगे। शानदार शॉट, अच्छा हल्के हाथों से स्ट्रोक खेला, फील्डर के हाथों में 2 रन के लिए लेना चाहते थे लेकिन मना किया साथी। बढ़ता है इसका 50 रन। इसी के साथ कोलासर टीम के 50 रन पूरे होते हुए दर्शकों में काफी उत्साह, तालियों से स्वागत करते हुए अपने बल्लेबाजों का। एक बार फिर दौलत अंपायर को क्रॉस करते हुए रामचंद्र ने शानदार शॉट धकेला लेकिन फील्डर ने अच्छा आसानी से बॉल को फील्ड कर लिया, फील्ड करके थ्रो किया तब तक एक रन आसानी से पूरा कर लिया। शानदार इस समय गेंदबाजी देखने को मिल रही है दौलत के द्वारा, अंतिम ओवर में ऐसी गेंदबाजी वास्तव में काबिले तारीफ है। बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर है उस तरफ लेकिन हल्के से मिस, 4 रन बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ। बढ़ता इसका कुछ 15 रन, ऐसे ही स्ट्रोक इस समय लगाने होंगे और रनों में 4 रनों का इजाफा है जो स्कोर होता है 55-55। पिच बन रन 8 विकेट के नुकसान पर कोलासर टीम का इस समय शानदार स्कोर। कृपया एक बार या थोड़ा सा यहाँ पर मैच को रोका गया, एक बार भी अंपायर को क्रॉस करते हैं दौलत, अच्छा आगे निकल के स्ट्रोक खेले हैं जीतु, तेज रनिंग करे दूसरे रन के लिए लेना चाहते हैं रामचंद्र, तेज रनिंग और ये फिर से मैच 3 रन के लिए पलट चुके हैं। क्या 4 रन भी ले पाएंगे यहाँ पर और 4 रन नहीं ले पाएंगे, 3 रनों से 3 रन कम्प्लीट, रनों में 3 रनों का और इजाफा, शानदार 58 रन बढ़ता स्कोर होगी इन ओवरों के अंदर, अच्छा स्कोर, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट रामचंद्र एंड जीतो, रनों में 3 रनों का और इजाफा, स्कोर होता 58-58 रन। 9 ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर में काफी शानदार बोले 60 तक बनना जी, 60 तो बन गयो, बोले तो तेल पोसा दिए लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक सम्मानजनक, अब तेल पोसा जी आगे टीम को लेके गए हैं। अभी भी 6 गेंदे शेष है, लाइन और बॉलिंग लाइनअप के समय है करंट तेज तरार गेंदबाज और उनके सामने तेज तरार पिच हिटर जीतो, करंट एक बार फिर जीतो ने बॉल काफी उछाल भरी हुई बॉल थी, 60 रन लेग बाय के रूप में यहाँ पर 1 रन मिलेगा जीतो को, रनों में 1 रन का इजाफा हो रहा हुआ है। तो 5 गेंदे आपके पास और शेष है और अंतिम 5 गेंदों में आप कितने रन और बना सकते हो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दोनों ही बैट्समैन यही चाहेंगे कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा रनों का इजाफा करा सके। रामचंद्र सामना करेंगे, शानदार स्ट्रोक रामचंद्र का, लगाना चाहते थे एक अलबेला स्ट्रोक लेकिन बीट हुए। ऐसे ही
स्टॉक के लिए जाने जाते हैं रामचंद्र नेहरा। आज नेहरा काफी शानदार स्ट्रोक लगाते हैं, ये काफी काबिले तारीफ स्ट्रोक है इनके। ये अगली बॉल फिर से करें रामचंद्र के लिए, बढ़िया शानदार शॉट लेकिन उम्र का ये पड़ाव सभी बैट्समैनों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपने फिटनेस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी फिटनेस है वो यहाँ पर काम आ जाती है अपनी टीम के लिए, और वो यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है रामचंद्र के बीच में फिटनेस इश्यू। इस समय आपको काफी इस समय जो ये समय है स्कोर होता है टीम का 61 स्कोर, और आप जीतू की रन आउट के रूप में अपना बहुमूल्य विकेट खो चुके हैं। जीतू कोलासर को बहुत बड़ा झटका लगा दिया, अंतिम एक दो या तीन बॉल खेलते थे एक बड़ा हिट लगा सकते थे। जीतू शानदार बल्लेबाजी की, मैं कोलासर के दर्शकों में सामना तालियों से स्वागत करें जीतू का। करें एक बार फिर रांची के लिए निकलना चाहते थे लेकिन फिर से एक और विकेट कोलासर टीम ऑल आउट। 62 रन का टारगेट है एंड 9.3 ओवर्स, और मैच और टीम को जीतने के लिए 62 रन 62 रन बनाने हैं। और यदि कोलासर टीम इस समय मुकाबला जीतना चाहती है तो उन्हें इतनी शानदार गेंदबाजी करनी होगी और उतनी ही शानदार